सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई होप आपको वीडियो का प्रीव्यू देख के समझ में आ ही गया होगा कि टॉपिक किसके ऊपर है। यस गाइज, ये वीडियो होने वाला है हैंग ऑब्जर्व गेम प्ले के ऊपर। अब काफी बंदों के मन में ये सवाल जरूर होगा, हैंग ऑब्जर्व गेम प्ले? अरे डार्क, तूने नया चैनल खुला था क्या, कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स देगा? सो जी हाँ गाइज, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। हैंग ऑब्जर्व गेम प्ले काफी यूनिक टॉपिक है। बिग शाउट आउट ऑफ रैपिड एफएफ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया। और अगर आपके मन में भी कोई यूनिक टॉपिक है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, 100% उसका पिकअप नेक्स्ट वीडियो में जरूर होगा। सो गाइज, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज हैंग ऑब्जर्व गेम प्ले। सो गाइज, क्या तुमने कभी नोटिस किया है जो राइस्टर है या फिर आपके फ्रेंड लिस्ट में थोड़ा अच्छा खेलता है, या फिर एक दो बंदे ऐसे जरूर होंगे जिनका अगर आप लोग गेम प्ले देखते हैं तो थोड़ा लैग फील आता है। मतलब जब आप एक्सपेक्टिंग में उसका गेम प्ले देखते हैं, जब ऑब्जर्व में रहता है, ठीक है, तो थोड़ा लैग फीलिंग आता है उसका गेम प्ले। मतलब अटक अटक चल रहा है, ऐसा फीलिंग आता है कि उसका फोन हैंग कर रहा है। बट ऐसा सीन बिल्कुल नहीं होता, उसका फोन बिल्कुल लैग नहीं करता है और उसका गेम प्ले देखने में भी काफी यूनिक लगता है। क्योंकि देखो, ज्यादातर बंदों का तो सिंपल मूवमेंट दिखता है ना, एकदम सीधा सीधा। बट अगर उन्हीं में से किसी बंदों का ऐसा थोड़ा लैग फीलिंग आता है और अगर वो थोड़ा बहुत वन टैप भी मारता है, मतलब क्या ही मजे आ जाएंगे देखने में। ये चीज आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने गेम प्ले में। जी हाँ गाइस, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बस एक चीज आपको अप्लाई करना है, एक छोटा सा चीज, उसी से आपका भी गेम प्ले ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और काफी बंदों को, ऑलमोस्ट 90% बंदों को ये चीज नहीं पता है। तो यस, चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने रिसेंटली ग्लू वॉल के ऊपर वीडियो बनाया, ठीक है, फास्ट ग्लू वॉल, सो उसको भी देख लेना जाके। सो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। रुक जाओ भाई, इतना जल्दी क्या है, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो देखो गाइस, इसको परफॉर्म करने के लिए ना बस सिंपल सा तीन ट्रिक है, ज्यादा नहीं, बस तीन चीज को अगर आप लोग ठीक से अप्लाई कर लेते हैं, देन आपके गेम प्ले में भी एकदम राइस्टा जैसा लैगिस फील आएगा, ठीक है। सो बस इसको करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक सा ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं बोल सकते, ये जस्ट मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को चाहिए ये चीज। सो वो है सेंसिटिविटी। अगर आप लोग सेंसिटिविटी लो करके खेलते हैं, देन जिंदगी में नहीं हो पाएगी ये चीज़, भूल जाओ भाई। तो सबसे पहले अपने सेंसिटिविटी को 100 कर लो। कैसे करना है आपको पता है, इधर सेटिंग जाना है, ऐसा बस बढ़ा लेना है इसको। तो सेंसिटिविटी 100 कर लिया हम लोगों ने। अब बढ़ते हैं जो मेन ट्रिक है, दूसरे नंबर ट्रिक के ऊपर। तो दूसरा नंबर ट्रिक आता है जिग जैक मूवमेंट। अब काफ़ी बंदों को नहीं पता जिग जैक मूवमेंट क्या है। तो देखो गाइस, जिग जैक मूवमेंट बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, बस आपको अपनी स्क्रीन को टच करना है और ऑलवेज टच को रखना है, मतलब छोड़ना नहीं उंगली को, और बस ऐसे इधर जाना है एक बार, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। और ज़्यादातर प्रो प्लेयर अगर आप लोग नोटिस करते हैं उनका गेम प्ले, लाइक राइस्टर, जैक एफ एम एटन, वो लोग हमेशा जिग जैक मूवमेंट यूज़ करता है। और अपने राइस्टर भाई का तो स्वैग ही अलग है भाई, कुछ भी हो जाए जिग जैक मूवमेंट नहीं छोड़ने वाले। ग्लू बॉल भी लगाएंगे तो वो भी जिग जैक मूवमेंट के साथ ही लगाता है राइस्टर भाई। और ये इस टॉपिक को मैंने कवर भी किया ये वाला वीडियो, अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे समझ जाओगे। और जिग जैक मूवमेंट का और एक बेनिफिट होता है, क्या पता है, कि ओपोनेंट एनिमी जो है ना वो हमें शूट नहीं कर पाता है, और अगर शूट भी कर पाता है ना, उसका हेड ना उतना जल्दी कनेक्ट होता ही नहीं है। सो यस, ये बहुत बड़ा चीज़ है जिग जैक मूवमेंट, जरूर अप्लाई करके देखना। सो देखो, ये तो क्लियर हो गया कि जिग जैक मूवमेंट की वजह से ही हमारा लैगिस फील आता है, हमारा लैग करता है। बट काफ़ी बंदे अब ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो देखो, जो ग्रेना का सिस्टम होता है ना, वो पहले खुद रीड करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, देन आपको स्क्रीन में दिखाता है। तो क्या होता है, अगर आप लोग गेम खेलते हैं, मतलब इधर आपने मूव करा, तो कुछ भी कर रहे हो, ग्लू वॉल लगा रहे हो, ठीक है, वो पहले प्रोसेस होता है, फिर ग्रेना कोड को रीड करता है, देन आपको दिखाता है स्क्रीन में कि वो हुआ वो चीज़, ठीक है। बस इसलिए हमें थोड़ा इसमें टाइम गैप लाना होता है, बस हमें थोड़ा जिग जैक मूवमेंट इधर उधर जाना होता है, मतलब जितना हो सके हमें मूव करना होता है, इससे ग्रेना को थोड़ा टाइम लग जाता है इसको रीड करने में। और जितना रीड करने में टाइम लगेगा, हमारा गेम प्ले उतना ही लैगिस फील आएगा, मतलब वो समझेगा तभी तो आपको दिखाएगा ना। सो बस इसलिए हमारा गेम प्ले में लैगिस फील आता है। बट गाइस रुको, अगर आप लोग अभी इस चीज़ को जाते हैं और ट्राई करते तो नहीं होने वाला, इसके लिए तीन नंबर ट्रिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तीन नंबर ट्रिक बड़ा ही सिंपल है, बस जब भी आप 1v1 करने जाओ ना किसी बंदों के साथ, सो सिंपल सा क्या करना, आपको आपके जितने बंदे हैं, मतलब आपके जितने फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उन लोगों को कॉल करके बुला लेना, आ जा भाई मेरा गेम प्ले देख ले, बस और कुछ नहीं करना। अगर आपके ऑब्जर्व में, मतलब जो गेम प्ले आपका देख रहा है, चार बंदे से ऊपर में रहता है बंदा, तो आपका गेम प्ले लैगिश फील होने लगा। अब काफी बंदों के मन में ये सवाल जरूर होगा, अब ये क्या बात हो गया डार्क, मतलब जो हमसे फर्सेस कर रहा है उसका भी तो गेम प्ले ऐसे लैगिश फील आएगा, बहुत अच्छा दिखेगा। सो गाइस, उसको उसका गेम प्ले ऐसा नहीं दिखने वाला लैगिश, उसका सिंपल ही दिखेगा। क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने पहला दो ट्रिक हमारा फॉलो नहीं किया है, एक तो सेंसिटिविटी और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है वो है जिग जैग मूवमेंट। सो यस, आपको ऑलवेज जिग जैग मूवमेंट करते हुए ये चीज़ करना है, तभी आपका गेम प्ले लैगिश फील आएगा।
और बहुत सिंपल सा ट्रिक है। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना है इसके लिए, बस बंदे को पता नहीं होता क्या करना है और राइस्टर सेटिंग नहीं ऑन कर लेता इसके लिए। सिंपल सा जिगजैग मूवमेंट करता है और हमारे ज्ञान भाई गुल्लू भाई बहुत क्या क्या है ना, ज्ञान भाई की ग्रुप मेंबर देखना बहुत ज़्यादा बंदे रहते हैं उधर, इसलिए ऐसा उसका गेम प्ले में थोड़ा थोड़ा लैगिस फील आता है। सो यस, बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक था, आई होप आप समझ गए होंगे। सो यस, ट्राई जरूर करना। सो यस गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ठीक है चैनल को, और बहुत ओपी ट्रिक्स आता रहता है इस चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब कर ही देना। और दूसरी बात, अगर आपके मन में सही टॉपिक है ठीक है, मतलब थोड़ा यूनिक टॉपिक हटके, तो जरूर कमेंट करना, उसका पिकअप नेक्स्ट वीडियो हम लोग जरूर करेंगे। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।